हे एवरीवन, तो कैसे हो यार आप सब। वेलकम टू एजुकेशनल हाइक, दिस इज प्रेम पांडे। यार इतने प्यार से आप लोग को पढ़ाता हूँ यार, फिर भी आप लोग पूरी वीडियोस नहीं देखते हो। जैसे ही वीडियो अपलोड होती है, भैया मैं फर्स्ट। अरे मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे बहनों, कम से कम वीडियो तो पूरा देख लिया करो यार। कितनी मेहनत से तुम लोगों के लिए बनाता हूँ वीडियो, के बीच में कितनी मीम्स, कितनी अच्छी अच्छी वीडियोस डालता हूँ। एटलीस्ट वीडियो को पूरा तो देखा करो। जैसे ही वीडियो अपलोड होती है, भैया मैं फर्स्ट, जैसे रेस लगी हुई है यार। सो इन चीजों को अवॉइड करो और वीडियो जो भी अपलोड हो उसे पूरा देखने की कोशिश करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। As you know कि हमने already class 8 NCERT science से chapter number 12 friction upload कर दिया है। अगर आपने इन दोनों parts को नहीं देखा है, इन दोनों parts में हमने इस पूरे chapter को explain कर दिया है, और अगर किसी बच्चे को भी ये videos दिखा दोगे ना, तो वो भी आपको अच्छे से पढ़ा देगा, इतनी easily explain किया गया है। So, अगर नहीं देखा इन दोनों videos को यार, तो इन दोनों videos की जो link है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सिंपली क्लिक करो और जाओ देखो। और जो इसके पहले प्रीवियस चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 11, उनकी भी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड है। एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस की, एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 8 एनसीईआरटी इंग्लिश की। जाओ वहां से देखो वीडियोस और अच्छे से पढ़ाई करो। सो एज यू नो कि हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपका एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे आपका नॉलेज चेक किया जाए। और ये जो MCQs हमने इस वीडियो में लिया है ना यार, ये MCQs कोई हल्का फुल्का MCQs नहीं है, आपके पूरे चैप्टर के हर एक टॉपिक से MCQs लिया गया है। एंड इफ अगर आपने पूरे चैप्टर में से कोई टॉपिक मिस भी कर दिया है या आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है ना, तो इन 10 क्वेश्चंस को जरूर देखो और खुद से आंसर करने की कोशिश करो, आपको पूरे चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर आप नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर चाहो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अगर आप हमसे हमेशा रेगुलरली हमारी वीडियोस के अपडेट पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। और क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रिक्शन इज अ, फ्रिक्शन किस टाइप का फोर्स है? क्या फ्रिक्शन एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? क्या फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है? क्या फ्रिक्शन एक मैग्नेटिक फोर्स है? या फ्रिक्शन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है? इन चारों में से कौन सा फोर्स है फ्रिक्शन, ये आपको बताना है। चलो फटाफट बताओ, देयर इज अ टाइम ऑफ 5 सेकंड्स फॉर यू। इन 5 सेकंड्स में आपको बताना है कि फ्रिक्शन किस प्रकार का फोर्स है। क्या फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है? क्या फ्रिक्शन एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? क्या फ्रिक्शन एक मैग्नेटिक फोर्स है या फ्रिक्शन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है? तो चलो फटाफट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसमें लगता है? जहां से इलेक्ट्रिक करंट गुजरती है, तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक तो होगा नहीं। मैग्नेटिक फोर्स कहां पर लगता है? जहां पर मैग्नेट्स हो, तो मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं होगा। बचा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स, तो आप ही बताओ फ्रिक्शन कहां पर लगता है। फ्रिक्शन वहीं पर लगता है जहां पर दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में हो, है कि नहीं? देखो फ्रिक्शन की हिंदी मीनिंग ही होती है रगड़ना, है कि नहीं? तो भाई रगड़ते आप कौन सी चीजों से हो? दो चीजों की तो जरूरत ही पड़ेगी रगड़ने के लिए। तो फ्रिक्शन किस टाइप का फोर्स है? फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ में आया? ये बहुत ही बेसिक सी चीज है। ये इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको आना ही आना चाहिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जा सकता है। चलो नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 कि फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाई यूजिंग ऑयल, ग्रीस, पाउडर या ऑल ऑफ दीज। हम फ्रिक्शन को इन तीनों में से कौन सी चीज का यूज करके रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? तो आप पहले मैं आपको एक चीज बता दूं यार कि जहां पर फ्रिक्शन कम होता है वहां पर हमें अपनी ताकत लगाने की जरूरत कम पड़ती है, और कहीं पर अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो वहां पर हमें अपनी ताकत लगाने की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। चलो तो आपको यहां पर यह बताना है कि किन कौन सी चीजों का यूज करके हम फ्रिक्शन को घटा सकते हैं। फ्रिक्शन का मतलब अगर एक दूसरे में कोई भी चीज बहुत ज्यादा रगड़ रही है तब हम बोलेंगे कि फ्रिक्शन यहां पर हाई है, और वहीं पर अगर कोई एक चीज किसी दूसरे चीज के ऊपर है और एकदम स्मूथली चल रहा है, एकदम मतलब मक्खन जैसी उसकी चाल है, तो समझ जाना फ्रिक्शन कम है। समझ गए? तो हम ऑयल का भी यूज करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए। आपने देखा होगा दरवाजों में ऑयल का यूज होता है, ताकि जब दरवाजा, जब हमारा डोर होता है काफी आवाज करने लगता है ना, तो हम इसमें ऑयलिंग कर देते हैं ताकि आवाज कम हो जाए, ये दरवाजा स्मूथली चलने लगे और फ्रिक्शन
कम हो सके। तो ऑयल का तो यूज करते ही है फ्रिक्शन को घटाने में, ग्रीस का भी यूज करते हैं। आपने देखा होगा जब हमारी जो साइकिल का चैन है वो बहुत ज्यादा आवाज करने लगती है ना, तो हम इसमें ग्रीसिंग करते हैं, हम इसमें ग्रीस लगाते हैं, तो ग्रीस का भी यूज होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में। पाउडर आपने देखा होगा, कैरम बोर्ड पे हम पाउडर लगाते हैं ताकि हमारा स्ट्राइकर आसानी से स्लिप कर सके, तो यहां पर भी पाउडर भी यूज होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में। तो भाई जब तीनों यूज होता है तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दीज, ऑयल हो गया या ग्रीस हो गया या पाउडर हो गया, इन तीनों का यूज होता है फ्रिक्शन को घटाने में। और इन तीनों चीजों को मिला के हम क्या कहते हैं, इन तीनों चीजों को हम एक नाम देते हैं, लुब्रिकेंट्स। समझ गए, लुब्रिकेंट्स का यूज होता है फ्रिक्शन को घटाने में, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में। चलो नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर थ्री, फ्लूइड्स आर, फ्लूइड्स किसे कहते हैं। जिन्होंने इस पूरे चैप्टर को पढ़ा है उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि फ्लूइड्स किसे कहते हैं, और जिन्होंने इस चैप्टर को नहीं पता है, थोड़ी बहुत जीके की नॉलेज है, थोड़ी बहुत आपने साइंस पढ़ी हुई है, तो आपको पता होगा कि फ्लूइड्स किसे कहते हैं। क्या हम गैसेस को फ्लूइड्स कहते हैं, क्या हम लिक्विड्स को फ्लूइड्स कहते हैं, क्या हम गैसेस और लिक्विड्स दोनों को फ्लूइड्स कहते हैं, या इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चलो फटाफट बताओ, आपके पास 5 सेकंड है और ये क्वेश्चन आपके लिए आपके सामने आ रहा है 5 लाख के लिए। चलो फटाफट मुझे बताओ, आई एम वेटिंग यार। चलो एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं भाई साहब। गैसेस एंड लिक्विड्स इन साइंटिफिक टर्म कॉल्ड फ्लूइड्स, हम अपनी साइंस की भाषा में, अपनी विज्ञान की भाषा में हम फ्लूइड्स किसे कहते हैं, गैसेस और लिक्विड्स दोनों को हम फ्लूइड्स कहते हैं। अगर कोई गैस है तब हम उसको नाम देंगे कि ये भाई ये फ्लूइड भी है, कोई लिक्विड है जैसे पानी हो गया हमारा, ये फ्लूइड है, गैस हवा हो गई, ये क्या है, ये एक फ्लूइड है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी, गैसेस एंड लिक्विड्स बोथ आर कॉल्ड फ्लूइड्स। समझ में आया। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, विच फ्रिक्शन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट, इनमें से कौन सा फ्रिक्शन सबसे ज्यादा लगता है। चलो पहले एक चीज जान लो यार, जहां पर फ्रिक्शन ज्यादा लगता है उस चीज को हटाने के लिए या उस चीज को मूव कराने के लिए हमें अपनी ताकत ज्यादा लगानी होती है, और जहां पर फ्रिक्शन कम लगता है उस चीज को मूव करने के लिए हमें फ्रिक्शन हमें अपनी ताकत कम लगानी होती है। जैसे देखो, जैसे आपको ये किसी चीज को पहियों पर चलाना कितना आसान है क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन कम है, और किसी चीज को जैसे आपका टेबल है और वो थोड़ा भारी है तो आपने देखा होगा कि आपको कितनी ताकत लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों सरफेसेस के बीच में काफी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा है, यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, हाई है। तो चलो रोलिंग फ्रिक्शन, अगर किसी चीज में पहिए लगे हैं तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा, कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा, भाई कम लगेगा लेकिन थोड़ा बहुत लगेगा। लेकिन किसी चीज को हम स्लाइड कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं मतलब जैसे आपने टेबल पर बुक रख दिया और अब बुक को आप पुश कर रहे हो, धक्का मार रहे हो, तो इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फोर्स। तो भाई इसमें भी थोड़ा बहुत हमें ताकत लगानी पड़ती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो सबसे कम फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में लगता है, उससे ज्यादा जो फ्रिक्शन लगता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में लगता है, और सबसे ज्यादा फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन में लगता है, स्टैटिक चीजों को मूव कराने में लगता है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, कोई चीज अगर रेस्ट में है, कोई चीज अगर ऐसे ही पड़ी हुई है और अब हमें उसे धक्का देके आगे करना है, तो वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा। समझ गए, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ गए, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ऐसा फ्रिक्शन जो किसी घूमती हुई चीज में लगे। अगर कोई चीज रोल कर रही है, कोई चीज पहियों पर चल रही है और उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। कोई चीज स्लाइड कर रही है, उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन का नाम देते हैं। और कोई चीज अगर रेस्ट में है, उस समय उस बॉडी पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम देते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सबसे हाईएस्ट फोर्स कौन सा है, इन तीनों फ्रिक्शन में से सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन में लगता है। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, स्मूथ सरफेस हैस, मतलब अगर कोई चिकना सरफेस है, अगर कोई ऐसा सरफेस है जो काफी मतलब स्लीपी है, जहां पर आप आसानी से स्लिप कर जाते हो, छटक जाते हो, तो वहां पर फ्रिक्शन कम होता है या फ्रिक्शन ज्यादा होता है, या कभी कभी कम कभी कभी ज्यादा होता है, या इन तीनों में से सब कुछ होता है। चलो अभी मैं आपको बता दूं यार कि फ्रिक्शन जहां पर कम होता है वहां पर आपको ताकत
ताकत लगाने की जरूरत कम पड़ती है। तो इसको आप चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? अपने टेबल पर ना ऑयल गिरा दो और उस ऑयल पर अपना हाथ क्या करो, आगे बढ़ाने की कोशिश करो। अब बताओ फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है कि कम लग रहा है? आपका हाथ जो है आसानी से स्लिप कर जा रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? तो स्मूथ सरफेस हैज लेस फ्रिक्शन। जो स्मूथ सरफेस होते हैं, जो चिकने सरफेस होते हैं, उसमें हमें फ्रिक्शन कम लगता है वहां पर। चलो नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयरिंग आउट ऑफ बाइसाइकिल टायर्स? आपने देखा होगा कि जब आप अपनी साइकिल को नया आपने खरीदा जब साइकिल को, तो उसके जो टायर्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। अगर आपने उसी साइकिल को कुछ दिन तक चला लिया तो वो उन साइकिल के जो टायर्स होते हैं वो कुछ ऐसे हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? वो वियर आउट हो जाते हैं, वो घिस जाते हैं। तो ये कौन से फोर्स की वजह से होता है? क्या ये मस्कुलर फोर्स की वजह से होता है? क्या ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होता है? क्या ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होता है? या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है? तो भाई आप, बहुत सिंपल सी चीज है ये। आपका जो साइकिल है वो रोड पर चलते चलते ही घिसता है, ठीक है? और जब टायर और रोड कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वहां पर एक ही फोर्स लगता है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। हम अपनी साइकिल आगे की तरफ चला रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। ओके नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। स्प्रिंग बैलेंस इज द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द डैश एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग बैलेंस कुछ ऐसी मशीन होती है। आपको बताना है कि इस स्प्रिंग बैलेंस का यूज किस चीज को नापने के लिए, किस चीज को मेजर करने के लिए होता है। क्या हम स्प्रिंग बैलेंस से मास, मतलब कि वजन को मेजर करते हैं? क्या हम स्प्रिंग बैलेंस से प्रेशर को मेजर करते हैं? या हम स्प्रिंग बैलेंस से फोर्स, हमारे द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स को मेजर करते हैं? या इन तीनों में से कोई भी नहीं? चलो फटाफट बताओ, यू हैव अ टाइम ऑफ 5 सेकेंड्स। हमने इस चैप्टर में पूरा स्प्रिंग बैलेंस का मैकेनिज्म पढ़ा है कि स्प्रिंग बैलेंस कैसे काम करता है, किस लिए होता है। चलो फटाफट बताओ मुझे। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर नाउ। ओके, लेट्स एक्सप्लेन दिस। ये एक स्प्रिंग बैलेंस है और स्प्रिंग बैलेंस का अंदर का जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है कि इसमें कुछ स्प्रिंग जैसा लगा होता है, ऐसे स्प्रिंग तो आपने देखा ही होगा ना गाड़ियों में, जो छोटे छोटे खिलौने होते हैं उसमें स्प्रिंग्स लगे होते हैं। स्प्रिंग्स कुछ ऐसा होता है जो इस स्प्रिंग बैलेंस मशीन के अंदर होता है। जैसे ही इस हैंगर पर हम अपनी फोर्स को अप्लाई करते हैं, मतलब हम अपनी ताकत इस हैंगर पर लगाते हैं, इसे हम नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, तो यह क्या करता है? ये हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स, हमारे द्वारा लगाए गए ताकत को इस स्केल पर बताता है कि हमने कितना फोर्स लगाया। तो स्प्रिंग बैलेंस का यूज किस लिए होता है? फोर्स को मेजर करने के लिए। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाई फ्लूइड्स इज ऑल्सो कॉल्ड। जो फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूइड्स के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है उसे हम और क्या एक स्पेशल नाम देते हैं? वो नाम आपको बताना है। क्या हम उसे ड्रग कहते हैं? क्या हम उसे ड्रैग कहते हैं? क्या हम उसे ड्रॉप कहते हैं? या हम इसे ड्राउन कहते हैं? चलो फटाफट, यू हैव अ टाइम ऑफ 5 सेकेंड्स, फटाफट मुझे बताओ यार। फ्लूइड्स के द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाया जाता है, फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है? गैसेस एंड लिक्विड्स। तो गैसेस और लिक्विड्स में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, हमने पढ़ा हुआ है भाई। चलो फटाफट बताओ। यस, करेक्ट आंसर है ये ड्रैग। क्या है? ड्रैग। आंसर नंबर बी इज करेक्ट। चलो मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूं। ये एक फैक्ट है एक्चुअल में, जिसे आपको याद ही रखना है। जैसे हम जानते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो तीनों सरफेस पे लगता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। जब फ्रिक्शनल फोर्स लिक्विड्स और गैस में लगता है तो हम उसे एक स्पेशल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ड्रैग। समझ में आ गया होगा आप? कौन सा समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो ओके, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। द शेप ऑफ द एयरप्लेन इज लाइक अ। जो हमारा एरोप्लेन होता है वो कौन सी शेप का होता है? बर्ड, कार, डॉग, या इन तीनों में से सभी शेप का होता है एरोप्लेन? चलो फटाफट बताओ। चलो ये इमेज देख के तो आपको पता ही चल गया होगा भाई साहब कि जो बर्ड्स होती है वो भी आसमान में उड़ती है और एरोप्लेन को भी आसमान में ही उड़ना था। तो इंसानों ने क्या दिमाग लगाया कि जैसी बर्ड है वैसे ही एरोप्लेन उसी शेप का बना दिया जाए। तो द शेप ऑफ द एरोप्लेन इज लाइक अ बर्ड। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 10, 10वां, और इसके बाद हम करेंगे बस।
मतलब वीडियो फिनिश होने वाला है. चलो, अ टॉय कार रिलीज्ड विद द सेम इनिशियल स्पीड विल ट्रैवल फार्देस्ट ऑन. चलो इस क्वेश्चन को पहले समझ लो कि ये कह क्या रहा है. ये कह रहा है कि भाई साहब मान लो हमारी एक कार है, ये कार है, मतलब मैं हाइलाइटर से अच्छे से बना तो नहीं पा रहा हूँ. चलो, और यहाँ पर एक रास्ता है जो इस कार को नीचे ले जाएगी. ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन से सरफेस पे जो कार है वो ज्यादा दूर तक जाएगी, वो फार्देस्ट जाएगी. मतलब अगर हम इस कार को, ये खिलौने वाली कार है अच्छी, मतलब वो असली वाली कार नहीं है, ठीक है, चिंता ना लो. चलो, तो जो ट्वाइस वाली कार होती है हम इसको एक एक करके नीचे भेजेंगे और हम देखेंगे कि कौन से सरफेस पे ज्यादा दूर जाती है. तो चलो बताओ, अगर यहाँ पर कीचड़ हो तो क्या ये कार आगे जा पाएगी? बिल्कुल नहीं, सबसे कम मडी सरफेस पे जाएगी. दूसरा, वहीं पर अगर यहाँ पर टाइल्स बिछे हो तो क्या कार दूर जा पाएगी? बिल्कुल जा पाएगी. क्यों? क्योंकि भाई जो टाइल्स होता है वो काफी चिकना होता है. किसके कंपेरिजन में? मिट्टी, सीमेंट, ईट, इन तीनों के कंपैरिजन में जो टाइल्स होता है वो काफी चिकना, काफी स्मूथ होता है. इसलिए इस सरफेस पे जो हमारी टॉय कार है वो ज्यादा दूर तक जाएगी. तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा. सो दिस इज ऑल 10 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन. सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा यार वीडियो, और वीडियो में जो चीजें भी हमने एक्सप्लेन की है वो हमने इस चैप्टर को पढ़ के ही एक्सप्लेन की है. और अगर आपको कहीं ना कहीं इनमें से कोई भी चीज ऐसी लग रही हो कि ना समझ में आया हो, तो वो आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपने अभी तक चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है. तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा कि ऊपर आई बटन पर स्टार्टिंग में मैंने दे दिया था लिंक, ठीक है, वहां से जाओ वीडियोज को देखो और मजे करो. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.